तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या है, किस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। बाकी के जो 2 प्रश्न है वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन हमको सॉल्यूशन तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज है। मतलब यहाँ पर अगर हल हम देखेंगे तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE ये दो समबाहु त्रिभुज है। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों को आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी 60-60-60 डिग्री का होगा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AAA समरूपता पर में लगेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो है वो 60-60-60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर समझो दूसरी बात जो दे रखा है ना, दूसरी बात जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, BD बराबर यहाँ से हमारे पास दे रखा है DC। क्यों, क्योंकि बोल रखा है बाबू D जो है ना वो BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब BD बराबर DC है, इसका मतलब हो गया कि BC बराबर यदि हम लिखेंगे ना, BC बराबर लिखेंगे तो ये लिखेंगे BD प्लस DC, या BC बराबर लिखते हैं तो BD प्लस BD ही कर सकते हैं दोबारा, या हम बोले तो BC बराबर हो जाएगा 2BD। BC बराबर क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। नाउ अब अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रेंगल BDC, तो हमको क्या पता है दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनका उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात लेंगे तो क्या लेंगे बाबू, भुजाओं का अनुपात लेंगे तो क्या लेंगे, कौन सा भुजा रहा है हमारा, BD और BC। सबसे पहले ABC है तो ये BC का ले लेंगे, और देन हमारे पास आ रहा है BD, क्या ले लेंगे, BD ले लेंगे। अब आ जाओ एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर, BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, BC बराबर लिख सकते हैं 2BD, तो BC बराबर अपन लिख सकते हैं 2BD। अच्छा ये वर्ग होगा ना इसका, और नीचे में होगा DD, इसका करेंगे वर्ग। BD से BD क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, BD से BD कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारे पास बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर कितना बच गया, 2 बच रहा है, 4/1, यानी कि 4:1 तुम्हारा उत्तर हो गया। यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न है एक्सरसाइज 6.4 का, और ये अंतिम प्रश्न है, और देखिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रश्न में दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 9 के अनुपात में हैं तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सपोज अपने पास दो त्रिभुज है, अपन बना लेते हैं, दिया तो नहीं है लेकिन बना लेते हैं, ABC है और DEF क्या है, DEF, तो अपने पास दिया क्या है, देखो यहां पर दिया है कि AB बट्टे DE बराबर, सपोज अपने पास कितना दे दिया है, 4/9, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, 4/9 है, तो यहां पर अब करना क्या है हमको, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमको अब क्या पता है, अगर त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा हमारा भुजा जो है ना AB का स्क्वायर और बट्टे, या ऐसे ले लो AB बट्टे DE का वर्ग, इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB का मान कितना है, 4/9 का वर्क करेंगे तो 16/81, यानी 16:81 अपना उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ।